मानसून की पहली दस्तक ने यमुनानगर में लोगों को जहां राहत दी है, तो दूसरी तरफ हुड्डा सेक्टर 17 के कई घरों में यह बारिश और तूफान तबाही बनकर आया है। 40 साल पुराने पेड़ उखड़कर कारों और घरों की दीवारों पर जा गिरे, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अब वह इस घटना के लिए प्रशासन को कोस रहे हैं। बता दें, हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। यमुनानगर में आज सुबह तेज हवा के साथ आंधी और तूफान चला। इससे लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, लेकिन यमुनानगर के सबसे पॉश इलाके हुड्डा सेक्टर 17 के लोगों के लिए यह तूफान दहशत बनकर आया है। आंधी और तूफान से 40 साल पुराने पेड़ उखड़कर घरों के बाहर खड़ी कारों और दीवारों पर जा गिरे, जिससे कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दीवार टूटकर नीचे की तरह धस गई। इस घटना से हुड्डा सेक्टर 17 के लोगों में काफ़ी रोष है। उन्होंने बताया कि यह पेड़ 40 साल पुराने हैं और इन पेड़ों में दीमक लग चुकी है। हम कई बार प्रशासन से इन पेड़ों की ट्रिमिंग को कटवाने के लिए चक्कर काट चुके हैं। यहां तक कि हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुज्जर को भी इस बाबत बता चुके थे, लेकिन हमारी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब क्या प्रशासन इन नुकसान की भरपाई करेगा? यह सवाल वह लोग उठा रहे हैं जिनका प्रशासन की लापरवाही और नाकामी की वजह से नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहते हैं धीरेंद्र कुमार भारद्वाज, स्थानीय निवासी, अजय गुप्ता, महेंद्र अनेजा, स्थानीय निवासी, आइए आप सबको सुनवाते हैं। सर, ये सुबह के 3-4 बजे के आसपास ये तूफान आया, थोड़ा सा बारिश के साथ काफी तेज हवा आई, तो पूरा काफी गाड़ियों के बीच मतलब पेड़ गिरे, आराम से उसके अंदर भी गिरे, घर के अंदर भी आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष, आप है ना, ये पूरा पेड़ अंदर भी जा सकता था। लगभग ये देखिए आप 50,000 के आसपास नुकसान हो गया ये पूरा, और दूसरी गाड़ियों के अंदर ही भी चला गया, मतलब पेड़ पूरा गाड़ियों के अंदर। तो मतलब ये प्रशासन की घोर लापरवाही है, काफ़ी बार शिकायत भी की गई है, आदरणीय मंत्री साहब के पास भी शिकायत लेके गए थे, तो उन्होंने उसको देखा ही नहीं है, इस तरफ मार्गदर्शन ही नहीं किया इस तरफ। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पेड़ों का थोड़ा सा ट्रिमिंग कराएं, चाहे पेड़ यहाँ से थोड़ा सा 30 फुट के आसपास की ऊंचाई पर ही पेड़ रहें, जिससे जानमाल की नुकसान ना हो। अगर दिन का भी अगर ये समय होता तो किसी की भी जान जा सकती थी, है ना। और अंदर पेड़ भी देखिए आप काफ़ी भरकम, कम से कम 2 से 4 क्विंटल के आसपास के पेड़ हैं ये, और गिरे हुए भी हैं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। हाँ जी, प्रशासन में दिया कटवाने के लिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी दिया, उन्होंने ट्रिमिंग की परमिशन दी। ट्रिमिंग करवाने लगे तो कुछ भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया, तो वो काम भी बीच में रुक गया। मैंने कह रही थी नुकसान जो हो रहा है, आज ये दिन का टाइम होता है, एक दो कोई ना कोई कैजुअल्टी हुई होती। अब मेरे घर में देख लो अंदर पूरा घुसा हुआ है पेड़, वो उनकी गाड़ी में घुसा हुआ है। ये पेड़ थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं तो इनका नैयर साहब का घर ही पूरा डैमेज हो जाता। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना प्रशासन को, ऐसे लोगों के इस पे अब हम कटवाएंगे तो FIR कराते देंगे। अब ये मॉनसून की पहली बरसात है और ये हाल है, आगे लगातार। हाँ तो अपने धीरे धीरे और खराब ही होने हैं जी पेड़, जब पानी पकड़ेंगे और जड़ें कमजोर होगी इनकी। अगर नहीं करेगा प्रशासन तो हम अपने बंदे बुलाएंगे, कवाड़ियां चलवाएंगे इनसे, 2-4 दिन और रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, हमने अपनी जान बचाने जी, ले जाएंगे थाने में, ले जाएंगे, डाल देंगे, कितने दिन रखेंगे।